तीन बहनों की लालची भाभी। करिश्मा, रेशमा और मनीषा तीन बहनें हैं। उनका एक भाई भी है मयंक। मयंक अपनी बहनों को बहुत प्यार करता है, लेकिन मयंक की पत्नी सविता इस मामले में मयंक से बिल्कुल ही अलग है। वो अपनी ननदों का जितना बुरा कर सकती है उतना बुरा करती ही रहती है और अपनी ननदों पर हुक्म भी चलाती है। करिश्मा, करिश्मा, तुमने अभी तक नाश्ता नहीं बनाया, तुम्हारे भैया को ऑफिस जाने में देर हो रही है। हाँ भाभी, बस अभी बनाती हूँ। करिश्मा, तुम ये ढीलापन छोड़ दो, कल को पराए घर जाना है। वहाँ अगर तुम इस तरह से काम करोगी तो लोग क्या कहेंगे कि माँ ने और भाभी ने कुछ सिखाया नहीं। और तुम्हारी दोनों बहनें कहाँ है? रेशमा मार्केट गई है और मनीषा सो रही है। क्या, सुबह के 8 बज रहे हैं और ये महारानी अभी भी सो रही है? ये कहते हुए सविता अपनी सास दुर्गा देवी के पास जाती है। माँ जी, देख रही हो अपनी बेटियों के तौर तरीके? क्या हुआ बहू, सुबह सुबह क्या कर दिया मेरी बेटियों ने? अरे एक तो अभी अभी उठकर किचन में गई है, दूसरी सुबह सुबह बाहर चली गई और तीसरी अभी तक सो रही है। क्या करूं मैं इन तीनों का, मैं तो परेशान हो गई हूँ। जाकर उठाओ सर, रेशमा से मैं बात करती हूँ। सविता सीधा मनीषा के कमरे में जाती है और उससे कहती है, महारानी जल्दी उठो, सूरज सर पर आ गया है। भाभी थोड़ी देर और सोने दो ना, मैं रात को लेट सोई थी, वो क्या है ना यूनिट टेस्ट चल रहे हैं। शराफत से उठती है या नहीं, या फिर पानी की भरी बाल्टी डालूं तेरे ऊपर? नहीं नहीं भाभी, मुझे बिस्तर में नहीं नहाना, उठती हूँ मैं। मनीषा जल्दी से उठकर बाथरूम में चली जाती है। सभी आराम से बैठकर नाश्ता कर रहे होते कि तभी रेशमा बाजार से हाथ में सामान लिए आ जाती है। रेशमा को देखते ही सविता उस पर बरस पड़ती है। लो आ गई महारानी, ऐसा भी क्या सामान लाना था जो सुबह आंख मलते ही बाजार की तरफ रवाना हो गई। भाभी कल आप ही तो चीख रहे थे कि घर का सारा सामान मुझे ही लाना पड़ता है, घर में किसी को भी किसी काम से कोई लेना देना नहीं है। अब मैं बाजार जाकर सामान ले आई तो आपको इस बात से भी तकलीफ हो रही है? देख रही हो माँ जी, अपनी बेटी की जुबान कैची से भी तेज चलती है। और मयंक, आप तो कुछ कहेंगे नहीं अपनी लाडली बहन को। रेशमा, अपनी भाभी से ऐसे बात नहीं करते, चलो माफी मांगो। भैया मैं क्यों माफी मांगू, आप भाभी से बोलिए ना कि हम पर कम हुक्म चलाया करें। हम इस घर की बेटियां हैं और आपकी पत्नी की ननद है, नौकरानी नहीं। लो बात, इनकी भलाई के लिए कुछ भी बोलो तो इन्हें बुरा लग जाता है, इस घर में यही इज्जत है मेरी। देख लो माँ जी, आपकी बेटी किस लहजे में मुझसे बात कर रही है। सविता वहाँ से चली जाती है। मयंक को बहुत गुस्सा आता है, वो भी वहाँ से चला जाता है। फिर करिश्मा रेशमा को समझाती है। रेशमा, तुम्हें भाभी से माफी मांग लेनी चाहिए थी ना। लेकिन दीदी मैंने कुछ किया ही नहीं, तो मैं माफी क्यों मांगू? हाँ करिश्मा दीदी, रेशमा दीदी जैसे ही घर में आई भाभी ही उन पर चिल्ला रही थी। हाँ मैं मानती हूँ कि गलती भाभी की थी, मैं तो इसलिए बोल रही हूँ कि भाभी ने माँ को तो पूरी तरह अपने वश में कर लिया है, वो हमारी बात सुनती ही नहीं। मयंक भैया हमारे लिए हमेशा खड़े रहते हैं, इसलिए उनकी बात का मान तो तुम्हें रखना चाहिए था ना। कोई फायदा नहीं दीदी, कुछ दिनों की बात और है, भाभी उन्हें भी हमारे खिलाफ भड़का देंगे, फिर वो भी माँ की तरह हमारी किसी बात का विश्वास नहीं करेंगे। इसी तरह सविता अपनी तीनों ननदों को किसी न किसी बात पर परेशान करती रहती थी। एक दिन मयंक अपनी तीनों बहनों के लिए गिफ्ट लाया। करिश्मा, ये तुम्हारे लिए हार का सेट, रेशमा तुम्हारे लिए सुंदर सी ड्रेस, और मनीषा तुम्हें किताबें पसंद है ना, तुम्हारे लिए किताबें लाया हूँ। थैंक यू भैया, थैंक यू भैया, थैंक यू भैया। करिश्मा, तुम्हारा नेकलेस कितना सुंदर है, ये भैया कहाँ से ले आए होंगे? मैंने भैया को 3 दिन पहले फोन पर ये डिजाइन दिखाया था और आज भैया ये ले आए। सविता तो अपनी ननदों के गिफ्ट्स देखकर जल गई, और करिश्मा का नेकलेस तो उसे भी बहुत पसंद आया था। अपनी बहनों के लिए कितना अच्छा नेकलेस लेकर आए हैं, मुझे कभी कोई गिफ्ट नहीं दिया, मैं आज ही ये हार चुरा लूंगी। रात में सविता करिश्मा का हार चुरा लेती है, और इसी तरह उसे अपनी ननदों की जो भी चीज अच्छी लगती वो उसे मांगती नहीं बल्कि रात के अंधेरे में चुरा लेती। इसी तरह दिन बीतते गए और सविता ने मयंक के दिल में भी उसकी बहनों के लिए नफरत पैदा कर दी। एक दिन मयंक ने करिश्मा और रेशमा के लिए रिश्ता देखा और ये बात उसने घर में सबको बताई। माँ, करिश्मा और रेशमा के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है, वो लोग कल इन्हें देखने आ रहे हैं, आप और सविता मिलकर सारी तैयारी कर लेना। ये सुनकर करिश्मा और रेशमा खुश हो जाती हैं, लेकिन सविता सोचती है अगर इन दोनों बहनों की शादी हो गई
तो घर और बाहर का काम कौन करेगा? मनीषा तो एक नंबर की कामचोर है, उससे तो किसी बात की उम्मीद लगाना ही बेकार है। मुझे इस शादी को रोकना होगा। अगले दिन सभी लड़के वालों के स्वागत की तैयारी करने में लगे होते हैं, तभी मयंक अपनी बहनों से आकर कहता है, तैयार हो गई तुम दोनों? देखो दोनों लड़के बहुत अच्छे हैं, मैं कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए तुम उनके सामने अच्छे से बिहेव करना और अपनी भाभी से लड़ने मत लग जाना। करिश्मा तुम वो नेकलेस पहन लो ना जो मैं तुम्हारे लिए लाया था। भैया मैं बहुत देर से वो नेकलेस ढूंढ रही हूँ लेकिन मुझे मिल ही नहीं रहा। क्या तुमने नेकलेस खो दिया? तुम्हें पता भी है वो कितना महंगा था? तुम कोई काम ढंग से नहीं कर सकती। मयंक गुस्से में वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद लड़के वाले भी आ जाते हैं, वो दोनों बहनों को पसंद कर लेते हैं और रिश्ता पक्का हो जाता है। लेकिन सविता के दिमाग में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। वो पंडित जी के पास करिश्मा की कुंडली लेकर जाती है और उन्हें पैसे देकर करिश्मा की कुंडली बदलवा देती है। जब लड़के वालों के पास करिश्मा की कुंडली जाती है तो वो दुर्गा को फोन करते हैं। बहन जी हमने करिश्मा की कुंडली अपने पंडित जी को दिखाई थी, आपकी बेटी की कुंडली नहीं बल्कि दोषों का पिटारा है। देखिए मैं और मेरे पति इन सब बातों में बहुत विश्वास करते हैं, इसलिए हम आपकी बेटी से अपने बेटे की शादी नहीं करा सकते। इस तरह करिश्मा का रिश्ता टूट जाता है और सभी घर वालों को बहुत दुख होता है। अब कविता सोचती है, चलो करिश्मा का तो रिश्ता टूट गया, अब रेशमा का भी रिश्ता तोड़ना है, क्या करूं क्या करूं। अब सविता आवाज बदल कर किसी अननोन नंबर से रेशमा के होने वाले ससुराल में फोन करती है। हेलो, मैं कौन हूँ कौन नहीं ये आपके लिए जानना जरूरी नहीं, बस इतना सुन लो कि रेशमा का 2 साल से किसी के साथ अफेयर चल रहा है। बस रेशमा का रिश्ता तोड़वाने के लिए सविता का इतना कहना काफी था। अब रेशमा का भी रिश्ता टूट गया। मयंक और दुर्गा देवी ने रेशमा को खूब खरी खोटी सुनाई और उससे बार बार उस लड़के के बारे में पूछने लगे। आप दोनों मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? अरे कोई लड़का होगा मेरी लाइफ में तो मैं बताऊंगी ना, जब कोई है ही नहीं तो कहाँ से लाऊं मैं कोई लड़का। तेरे होने वाले ससुराल वालों को फोन किसने किया था? मां मैं नहीं जानती किसने फोन किया था, मैं सच कह रही हूँ। मैं तो पहले ही कह रही थी इसकी लगाम खींच कर रखो, लेकिन मेरी सुनता ही कौन है। आप चुप रहिए भाभी, ये सब आपका ही किया धरा है। अब तीनों बहनों को विश्वास हो जाता है कि ये सब उनकी भाभी ही कर रही है। तीनों बहनें अपनी भाभी को सबक सिखाने के लिए एक वकील कर लेती है और घर में हिस्सा मांग। देखो भैया माँ बाप की जायदाद में जितना बेटों का हक होता है उतना ही बेटियों का, इसलिए इस घर के 4 हिस्से होंगे और हमें अपना हिस्सा चाहिए। मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया और तुम इस घर में हिस्सा मांग रही हो। भैया आप और माँ हम बहनों की कोई बात नहीं सुनते हो और भाभी हमारी शादी नहीं होने देगी क्योंकि उन्हें लगता है कि आप हमारी शादी में ज्यादा पैसा लगाओगे और उन्हें हम जैसी फ्री की नौकरानी कहाँ मिलेगी, तो हम भाभी के साथ तो रह नहीं सकते, हम बहनों को अपना हिस्सा चाहिए। अरे तुम्हें शर्माने चाहिए अपनी भाभी पर ऐसा इल्जाम लगाते हुए, वो तुम्हारे बारे में कितना सोचती है। हाँ माँ भाभी हमारे बारे में बहुत सोचती है, दिन रात बस यही सोचती रहती है कि किस तरह से अपनी तीनों ननदों को परेशान करूं और कभी मुझे पढ़ने भी नहीं देती। दोनों बहनों का रिश्ता भी तो इन्होंने ही तोड़वाया है और रात में हमारे कमरे में आकर हमारी चीजें भी चुराती है। इसी तरह सविता की तीनों ननदें अपनी बात पर अड़ी रही। अब कोर्ट में तारीख भी शुरू हो गई। जब सविता को लगा कि उसकी तीनों ननद इतनी आसानी से नहीं मानने वाली तो उसने अपने पति और सास को सारी सच्चाई बता दी और अपनी तीनों ननद से माफी मांगी। मयंक और दुर्गा को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। अब सविता खुद करिश्मा और रेशमा के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढती है और उनकी शादी करवाती है।